Hello, most welcome in Stanford everyone, where we are going to learn a fantastic lesson today, that is learning concept 2. And in this lesson we are going to learn goal making method, or if I say to achieve, how to achieve our goal, then it's not wrong. अगर मैं कहूँ कि कैसे अपने goal को अचीव कर सकते हैं, हाउ कैन बी सक्सेसफुल टू अचीव आवर गोल, देन आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज हियर वी हैव SMART, स्मार्ट टेक्निक टू कॉन्कर टू अचीव आवर गोल ऑफ लाइफ, वट एवर इज योर गोल. सो यू आर गोइंग टू अचीव दैट बाय विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट गोल टेक्निक. इसी कड़ी में इस लेसन में सीखने वाले और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें जो है. क्वेश्चन ऑफ द डे वी आर गोइंग टॉक ऑन क्वेश्चन ऑफ द डे लेट्स देन रिकैप ऑफ एक्टिव लिसनिंग टू वील रिकैप दैट लेसन देन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्टिव लिसनिंग हाउ कैन यू डेमोन्स्ट्रेट एक्टिव लिसनिंग. सो कैसे डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे आपके फेस से, जेस्चर से, तो इस पर ही बात करेंगे. और अब होगा असली एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस ऑन जूम और इन ऑफलाइन क्लास. सो हाउ सक्सेसफुल पीपल सेट देयर गोल, और बात करेंगे कैसे कामयाब लोग अपनी जिंदगी में गोल सेट करते हैं, तभी तो वो कामयाब हैं. तो कुछ ना कुछ तो गुड होगा, कोई ना कोई टेक्निक तो जरूर होगी. तो आज बात करेंगे उस गुड की, उस बात करेंगे उस टेक्निक की, क्योंकि ये सीखना आपके लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट एक वीडियो है हाउ टू ट्रैक योर गोल. अब गोल बना लिया, चलो टेक्निक भी लगा लिया, लेकिन ट्रैकिंग भी तो होनी चाहिए ना कि कितना हुआ है तो कितना. जैसे कि आपके घर जोमेटो वाला खाना लेकर आ रहा होता, तो आप क्या कर ट्रैक कर रहे होते हैं, आया तो आए कितनी दूर तक पहुँचा, तो ये ट्रैक करते हैं ना, ताकि आपको समझ में आएगा. हाँ, अगर नहीं ट्रैक करोगे तो क्या होगा, हो सकता है वो ना आ रहा हो, तो आप कॉल करके कंप्लेन कर सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो भैया क्यों लेट हो रहा है. ठीक है, ठीक उसी तरीके से गोल का भी ट्रैकिंग ज़रूरी है कि हाँ हम उस पर काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे. कर रहे हैं तो कहाँ हैं, वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ इन माई गोल्स जर्नी. नेक्स्ट थिंग, बिग गोल्स बाय स्मॉल गोल्स. जो बड़े गोल्स होते हैं स्मॉल गोल्स, वो भी बात करेंगे. नेक्स्ट, एक कोच है लॉजी, इसमें टी और यू साइलेंट है. लॉजी के द्वारा एक दिया गया है कोटेशन, बहुत ही फैंटास्टिक सा कोटेशन है, ध्यान देखिएगा, बड़ा मजेदार है. एंड नेक्स्ट इज आवर फीडबैक सेक्शन, तो चलिए सीखते हैं. Students, now it's time for question of the day. So you know that question of the day we are doing live. So whatever is the current situation when you are going to attend this lesson, we are going to ask question you live in online or on Zoom on the current topics in current affair or general knowledge. Next thing, recap. So what did you learn in the last lesson, active listening? Please answer this question. What did you learn in the last lesson, active listening 1? So in my opinion, don't share all the things, share only this much, that what was your best learning of the last class, what was your one best learning of the last class, share this thing only, that's it. Now from today onwards we are going to demonstrate active listening. आज के बाद हम लोग एक्टिव लिसनिंग जो हमने सीखा है, जो समझा है, उस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, मतलब कि दिखाएंगे भी कहाँ हम सुन रहे हैं. तो इसको डेमोन्स्ट्रेशन कैसे होगा, बाय फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, आपकी शक्ल के एक्सप्रेशन से, फेस के एक्सप्रेशन से होगा. दूसरी चीज़ बाय वर्ड्स, ओके कैरी ऑन, गो ऑन, यस यस. So you can do, you can speak such words in means level 1, not level 1, in level 2 sound. In level 2 sound you can use those words. Next is actions, by your hand movement, by your face movement, by your head movement, by your body language you can show how that you are listening. And the last very important, eyes contact. Yes, eyes are like you can fool people by telling lie, but eyes cannot lie. So you should
be with a good eye contact. You should be maintaining a good eye contact, not like staring. Don't stare. घूरना नहीं है. There should be a gentle and a very good eye contact. So आज के बाद हम लोग facial expression, words, actions and eyes contacts के जरिए दिखाएंगे भी कि हाँ हमने active listening सीखा है. तो उसका demonstration मतलब दिखाना, उस चीज़ को practice में लाना. तो आज के बाद practice भी लाएंगे और class के end में मैं किसी से ही पूछ लूँगा कि आप बताइए कि जैसे कि सपोज डैट मैं आरती से पूछ लूँगा, आरती बताइए कैसे लगा आपको कि अदीबा, या सबसे पहले पूछूँगा अदीबा वर वॉज सॉरी अदीबा से नहीं आरती से पूछूँगा कि आरती वॉज अदीबा लिसनिंग टू मी. तो आरती बोलेंगे यस सर शी वॉज लिसनिंग. तो सिर्फ यस नहीं बोलना है, रीज़न देना है. यस बिकॉज हर फेशियल एक्सप्रेशन वॉज लाइक दिस सो आई थिंक शी वॉज लिसनिंग, या फिर शी स्पोक दिस वर्ड सो आई थिंक शी वॉज लिसनिंग, और फिर हर एक्शन वॉज लाइक दिस सो आई थिंक शी वॉज लिसनिंग टू यू. आईज कॉन्टेक्ट, शी वॉज लुकिंग एट यू एंड हर आईज वर मूविंग लाइक शी इज लिसनिंग टू यू. सो सारे वर्ड्स के जरिए तो एक किसी भी बंदे को पकड़ के उसके बारे में फीडबैक नोट कर लेना है पूरी क्लास के दौरान, ताकि अगर मैं पूछूं तो आप बता सको कि हाँ अगर वो बंदा सुन रहा था या सुन नहीं थी तो कैसे आपको लगा कि वो सुन रहा था. तो आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में जो हमने सीखा है लास्ट क्लास में, है ना. रिकैप का रिकैप और लर्निंग की लर्निंग. तो इसी तरीके से हम करते हैं स्पीकिंग का प्रैक्टिस विद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. दिस इज अ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. So, dear students, here we are going to discuss some very important things like how do successful people set their goals? जो कामयाब लोग हैं वो अपना गोल कैसे सेट करते हैं? How? So, the thing is, they first of all, before setting the goal, they decide what should I do. गोल सेट करने से पहले वो ये सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए. नेक्स्ट थिंग, दे फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर आउट देयर ओन वीकनेस एंड स्ट्रेंथ. अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को जो फिगर आउट करते हैं और उसको एक्सेप्ट भी करते हैं. जो वीकनेस है, जो स्ट्रेंथ है वो तो ठीक है, लेकिन जो वीकनेस है उसको, जो स्ट्रेंथ है उसको कैसे एरोगेंस में नहीं बदलेंगे, उस पर एरोगेंस नहीं आएगा, घमंड नहीं आएगा, इसके बारे में सोचते हैं पहले, प्लानिंग करते हैं. दूसरी चीज़, जो वीकनेस है उस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाएं, इस पर काम करते हैं. नेक्स्ट थिंग, दे ट्राई टू फिगर आउट देयर इंटरेस्ट. अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना गोल सेट करते हैं और गोल सेट करने के बाद वो एक SMART टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जो अभी हम लोग थोड़ी देर में सीखेंगे. पर उससे पहले बात करते हैं ऑडियो वीडियो के. बहुत ही फैंटास्टिक सा ऑडियो वीडियो है जो कि आपको देखना चाहिए. आई सेंड दैट शॉर्ट वीडियो अलॉन्ग विद दिस लेसन टुडे. इस लेसन के साथ वो छोटा सा वीडियो जाएगा आपके पास, ओके. और उसमें बात हो रही है बिग गोल्स एंड स्मॉल गोल्स की. जो स्पीकर हैं, जो CFR के थ्रू स्पीकर्स ने बोला है, उन्होंने बताया है कैसे शॉर्ट गोल्स हमारी मतलब एक सीढ़ी की तरह है, स्टेयर्स के छोटे छोटे स्टेप्स की तरह है जो हमें छत पे पहुंचाता है, टेरेस पे पहुंचाता है. तो यहाँ पर टेरेस क्या है, हमारा बिग गोल है. तो बिग गोल एक दिन में हासिल नहीं होगा. आप चाहते हो कि आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना सीख जाओ, आप एकदम फ्लुएंट स्पीकर बन जाओ, तो क्या ऐसा सोचेगा दो महीने बाद बोल लूँगा? कैसे बोल लोगे? दो महीने बाद आप बोलोगे पर आज कहाँ पहुँचे हो? Did you make and achieve the first step of your stair? क्या जो सीढ़ी है उसके पहले स्टेप पे आप चढ़े आज? तभी तो कल दूसरे, उसका तीसरे, चौथे, तभी तो उस जो जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के फील्ड में, वहाँ हम पहुँच सके. इसीलिए स्टैनफोर्ड में कैंप्स के बारे में बताया गया था. तो कैंप्स क्या हैं? वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहां हम पहुँच के बताते हैं कि हाँ आज लेवल 1 में पहुँच गया, आज मैं बेसिक लेवल को मैंने अचीव कर लिया. जो बच्चे बेसिक लेवल कंप्लीट कर चुके हैं वो सफ़र 3 months 4 months का जो सफ़र था, क्या वो एक दिन में हो क्या? हर दिन हमने कुछ नया सीखा, हर दिन हमने कुछ सीखा, हर दिन हमने प्रैक्टिस करी, हर दिन हमने प्रेजेंटेशन करा, हर दिन हमने कुछ ना कुछ लिखा है और प्रिपेयर किया है, प्रेजेंट किया है, प्रैक्टिस करा है. तभी तो आपने जब बेसिक लेवल कंप्लीट किया आपको लगा यस आई नो समथिंग. बहुत सोचे थे सर बहुत कुछ आ गया, तो बहुत कुछ नहीं है, वो सिर्फ
पहले सीढ़ी का पहला पायदान है, जैसे सीढ़ी पर चढ़ते हैं ना और पहला टर्निंग पॉइंट आता है, तो वहाँ पे जो एक चबूतरा टाइप का होता है वो जगह है वो जहाँ आप पहुँचे हो बेसिक लेवल कंप्लीट करने के बाद। अभी इंटरमीडिएट लेवल, तो अगर पहाड़ के बारे में बात करूँ तो ये इंग्लिश का बड़ा पहाड़ है स्पीकिंग का, जो हमें कॉन्क्र करना है, सीखना है, कंप्लीट करना है, जो ये पहाड़ को फतेह करना है, जीतना है। इसका पहला कैंप था बेसिक लेवल। अभी इंटरमीडिएट लेवल में दो कैंप्स हैं, तो पहला कैंप तो हमारा बहुत जल्द आने वाला है क्योंकि लगभग आधा सफ़र हम लोग तय कर चुके हैं इनिशियल इंटरमीडिएट लेवल का, और आधा सफ़र बाकी है इनिशियल इंटरमीडिएट लेवल का। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एडवांस इंटरमीडिएट लेवल, वो भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, बिकॉज दिस इज स्टैनफोर्ड इज, जहाँ रटना नहीं समझ कर बोलना सिखाया जाता है इंग्लिश। अगर आप तैयार हो तो मैं साथ बोली गया, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, I will speak in English। जब तक ये बात दिल से नहीं निकलेगी, एकदम अंदर से नहीं निकलेगा, तब तक आप सीखने के लिए तैयार नहीं हो, ठीक है? तो अंदर से बोलो, Yes, I can speak in English। I will practice for speaking English। तो जोर से बोलिए, दिल से बोलिए और अंदर से आवाज आनी चाहिए। तो उस वीडियो को देखिएगा, देखिएगा राइट जो स्पीकर हैं कैसे बता रहे हैं कि गोल बना लिया, सेट कर लिया, सेट सारी चीज़ें फिक्स कर ली, स्मार्ट जो गोल है वो भी कर लिया, सारी टेक्निक लगा ली, लेकिन अब ट्रैकिंग भी तो ज़रूरी है ना। अगर कोई जोमेटो वाला बिरयानी लेकर आ रहा है तो उसको देखना ही तो पड़ेगा ना, भैया कहाँ तक पहुँचे, नहीं पहुँचे तो क्यों नहीं पहुँचे, तो फॉलोअप लेना पड़ेगा ना, ट्रैकिंग करनी पड़ेगी ना। तो वही बात है, हाउ डज द स्पीकर ट्रैक हिज गोल, जो स्पीकर हैं वो अपने गोल कैसे ट्रैक करते हैं, कैसे बताया उन्होंने, तो ये आपको आंसर करना है इन जूम क्लास और इन ऑफलाइन क्लास, दोनों ही जगह जहाँ भी आप एडमिशन में हो। दूसरी चीज़, व्हाट डज द स्पीकर से अबाउट रेगुलर प्रैक्टिस विदाउट मिसिंग इवन अ सिंगल डे। स्पीकर ने कहा है कि आपको प्रैक्टिस हर रोज करना है, उस मधुमक्खी सॉरी मैं मधुमक्खी कह रहा हूँ, वो जो बटरफ्लाई वाली स्टोरी सुनाया था बेसिक लेवल में, याद है कैसे एक पेनफुल एंड रेगुलर एफर्ट ही एक कीड़े को बटरफ्लाई बनाता है, खूबसूरत बटरफ्लाई बनाता है, एक अगली कीड़े को, बदसूरत कीड़े को, वो भी बटरफ्लाई बनता है, कब, जब वो एक रेगुलर एंड पेनफुल एफर्ट से गुजरता है। तो राइट स्पीकर ने क्या बताया है रेगुलर प्रैक्टिस के बारे में, मैं भी ये कहता हूँ कि हर रोज़ प्रैक्टिस करना है, हर रोज़ प्रैक्टिस करना है, बिना एक दिन भी मिस किए, अगर छुट्टी है तो वो छुट्टी मत मानो, उस दिन भी कुछ प्रैक्टिस करो, एंड सेंड मी वीडियो ऑफ 2 मिनट्स, चाहे आप ऑनलाइन में हो ऑफलाइन में हो, संडे को भी छुट्टी मत मनाओ, संडे के दिन भी एक टॉपिक पे अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करो ऑफ 2 मिनट्स, 3 बार 4 बार बोलो कैमरे के सामने, जो बेस्ट वाला हो मुझे भेजो, आई विल सेंड यू फीडबैक, बट डोंट सेलिब्रेट संडे। संडे सोच के ये मत सोचो कि अरे आज तो मज़े करने का दिन है, आज तो कुछ करना ही नहीं है, फेस्टिवल आ गया, अरे अब तो पर्व है, त्यौहार है, आज तो अब तो खेलना है, कूदना है, मनाना है, अब कुछ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, दिस इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस, बिल्कुल रॉन्ग प्रैक्टिस है। स्पीकिंग इंग्लिश पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती है, हर रोज़ के प्रैक्टिस से आती है। इसमें हम्बल, जब मैं साथ कर देने को तैयार हूँ, जब मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं खड़े हो रहे हो, खड़े हो अभी प्रैक्टिस करना शुरू करो, और करना ही है तभी आएगा। और संडे है तो क्या हुआ, आप संडे मुझे प्रेजेंटेशन भेजो, आपको फीडबैक जाएगा, इट्स माई प्रॉमिस टू यू। अगर आप सीरियस लर्नर बन सकते हो तो बनो, क्योंकि मैं एक सीरियस टीचर हूँ, एंड आई लव टू टीच विद पैशन, मैं पैशनेट टीचर हूँ, आई एम अ पैशनेट पर्सन टू टीच इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आर यू अ पर्सनेट, आर यू अ पैशनेट लर्नर, आर यू अ पैशनेट स्टूडेंट, आर यू अ डिटर्मिंड पर्सन, कि हाँ मेरे को ये करना है, तो करो और बोलो मुझे 24/7, कभी भी हेल्प की जरूरत हो मैसेज मी एनी टाइम फॉर हेल्प, बट कॉन्क्यू द माउंटेन ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सो हियर लास्ट थिंग, वुड द स्पीकर हैव अचीव सक्सेस विद एन ईजी गोइंग कोच, वाई, अगर सक्सेस जो मिला हमारे स्पीकर भाई साहब को वो मिलता अगर वो एक सीधा ईजी गोइंग कोच के पास रहते, टीचर के पास, ऐसे जो टीचर ही या कोच ही उनको उतना ध्यान नहीं देता और वो खुद बिजी रहते हैं, अगर तो क्या उनके पास वो कुछ कर पाते। बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि सर ने सही, टीचर ने मुझे अच्छे नहीं मिले, उनके से टीचर अच्छे मिल जाते तो मैं सीख लेता। मैं कहता हूँ आप बोलो तो सही, कहाँ पे हेल्प चाहिए, कितनी बार हेल्प चाहिए, कोई बच्चा मुझसे 50 बार बोलेगा समझाने के लिए मैं समझाऊंगा, बट द थिंग इज कि 50 बार समझाने के लायक तो बनो, 50 बार समझाने वाला, मेहनत आप तो करो,
कि मेरे को खुद से अंदर से आया कि हाँ इसको समझाना है। बच्चों ने मुझसे 10 बार एक ही टॉपिक को समझाया, मैंने समझाया है ऑन जूम लाइव या फिर ऑन बोर्ड इन माई ऑफलाइन क्लास, दोनों ही जगह समझाया है, 10-10 बार समझाया है। क्लास से एक्स्ट्रा टाइम देता हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्लास एक घंटे में ख़त्म हो गई। अगर मुझे लगा कि नहीं इस पर 15-20 मिनट और देना है, आई हैव गिवन दैट टाइम। So, dear students, as I was saying that all our big goals are a collection of small goals. छोटे छोटे goals के जो टुकड़े होते हैं, हमारे छोटे छोटे जो goals होते हैं, उनसे ही एक बड़ा goal achieve किया जा सकता है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो पहले एक लेसन, दो लेसन, तीन लेसन, ग्रामर सेक्शन, उसके राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन, लिसनिंग सेक्शन, स्पीकिंग सेक्शन, फाइनली यू आर बीइंग एक्सपर्ट, आप एक्सपर्ट बनते हो इंग्लिश के फील्ड में। तो बड़ा जो गोल है उसको जब तक हम छोटे छोटे गोल्स में नहीं तोड़ेंगे, तब तक हमारा वो अचीव हो ही नहीं सकता। बड़े हाथी को भी अगर खाना का वो था ना, खाना है, तो क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं, तब जा फिर क्या कर सकते हो। एक बड़ा चिकन ही नहीं खा सकते, छोटे छोटे पीस में तोड़ते हो तभी तो खा पाते हो ना, अगर नहीं काटोगे तो खा पाओगे क्या, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं स्मार्ट गोल होता क्या है, व्हाट इज़ अ स्मार्ट गोल सेटिंग टेक्निक, स्मार्ट गोल सेटिंग टेक्निक होता क्या है, SMART। तो चलिए बात करते हैं, एस से होता है स्पेसिफिक, एम से होता है मेजरेबल, ए से होता है अटेनेबल, आर से होता है रिलेवेंट, रियलिस्टिक एंड रिजल्ट्स फोकस्ड, और लास्ट SMART टाइमली एंड ट्रैकेबल। तो ये होता है मीनिंग वाइज, पर एक्चुअली में होता क्या है समझ में क्या आया, 5 seconds राइट इन कमेंट सेक्शन, अभी कभी 5, 4, 3, 2, 1। तो चलिए समझते हैं आखिर ये स्पेसिफिक से कहना क्या चाह रहा है हमारा स्मार्ट गोल टेक्निक। स्पेसिफिक मतलब कि आप एकदम क्लियर होने चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए कि आपका गोल है क्या। सपोज दैट आप कहो कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, अरे भाई साइंटिस्ट बनना है तो साइंटिस्ट बनना है, ठीक है चलो ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट तो बहुत बड़ा फील्ड है। अब उसमें कोई इंसान कहे कि ठीक है साइंटिस्ट बनना है तो किस चीज़ का साइंटिस्ट बनना है, तो कोई इंसान कहेगा मुझे स्पेस साइंटिस्ट बनना है, ठीक है चलो स्पेस साइंटिस्ट भी समझ गया। लेकिन और स्पेसिफिक हो, ये स्पेस साइंटिस्ट में भी कई तरह के साइंटिस्ट होते हैं, उसमें भी अलग अलग तरह के होते हैं, तो मुझे स्पेस में मटेरियलिस्टिक स्पेस साइंटिस्ट बनना है, तो मुझे मटेरियल से जुड़ा हुआ या फिर डिज़ाइन वाला, डिज़ाइन से जुड़ा हुआ स्पेसिफिक साइंटिस्ट बनना है। तो अब क्या होगा, आपका गोल स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 10th 12th वाले बच्चे स्पेशली पढ़ना स्टार्ट करते हैं और सोचते हैं कि हाँ बहुत सारा मार्क्स भी आ जाएगा और IIT NEET वगैरह भी क्रैक हो जाएगा। तो आपका गोल स्पेसिफिक नहीं है, पहला तो आपका गोल ये होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो, पहले अचीव करना मार्क्स या कंपटीशन क्रैक करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये फाइंड आउट करो कि इन दोनों काम को करने के लिए ज़रूरी क्या है। तो इसके लिए ज़रूरी है आपके दिमाग में ईच एंड एवरी टॉपिक का क्लियर कॉन्सेप्ट होना, तो ये आपका स्पेसिफिक गोल बनेगा। क्या बनेगा स्पेसिफिक, कि आई नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक इन क्लियर वे, इट मीन्स क्लियरली। अब बात करते हैं एम से, मेजरेबल। अब कोई बोले कि मुझे साइंटिस्ट नहीं, साइंटिस्ट वाला रहने दो, अब कोई बोले कि मुझे इंग्लिश सीखना है, ठीक है कितना सीखना है, क्या लेवल होना चाहिए, कुछ मेजरमेंट होना चाहिए ना कि हाँ मुझे इतना आ जाएगा। तो मैं हर इंसान के हिसाब से इंग्लिश की अपनी एक अलग लेवल है, अलग परिभाषा है, अलग डेफिनेशन है। सो आप पहले ये तय करो कि आपके हिसाब से क्या और किस लेवल पे आप इंग्लिश में पहुंचना चाहते हो। बहुत से लोग तो बेसिक लेवल ही करके सोचते अरे बहुत कुछ आ गया, तो ऐसा नहीं है। आप खुद सेट करो कि मुझे इंग्लिश आनी चाहिए तो किस लेवल पर आनी चाहिए। हाँ सिर्फ थोड़ा बहुत बोल लूँ समझ लूँ इतना आपके लिए काफ़ी होगा, या फिर मैं थोड़ा और अच्छे कंटेंट्स लिखने आ जाएँ तो उतना काफ़ी होगा, या आई वॉन्ट टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर एंड राइटर, एकदम फ्लुएंट हो कि हाँ सोचूँ कि हाँ इस बात पर बोलना है, इस पर लिखना है और धर 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 हो जाए। तो आपके हिसाब से पहले क्या होना चाहिए और उसके लिए आप क्या करोगे। मेजरमेंट होना चाहिए कि हाँ मुझे इतने वर्ड्स आ जाएंगे या मैं ये चीज़ करने लगूँगा, तो उसका एक पैमाना होना चाहिए, मेजरमेंट होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ हो गया। अगर आप जा रहे हो कुछ मान लो कि काम करने, तो कितने पैसे आप कमाना चाहते हो, एक मेजरेबल होना चाहिए कि हाँ 50,000 कमा के मैं हो जाएगा या 1,00,000 कमा के मेरा हो जाएगा। तो एक मेजरमेंट होना चाहिए ताकि आप उसको ट्रैक कर सको। अगर ये वाला पॉइंट मेजरेबल नहीं होगा
तो आपका ट्रैक भी नहीं हो पाएगा, ट्रैक नहीं होगा तो गोल सेट नहीं हो सकता। फिर ये हवा वाली बात हो रही है कि हाँ गोल है गोल है, ठीक है। ए अटेनेबल, अब कोई कहे मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे ले आऊँगा, तो क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? तो गोल ऐसा होना चाहिए जो अटेनेबल हो। अब देखो, मैं अगर ये सोचूं कि मैं मैथ्स का स्टूडेंट था, मैं सोचता कि मैं जो है मेडिकल कर लेता हूँ, चलो मेडिकल करते हैं, तो क्या ये अटेनेबल है? बिल्कुल नहीं। अगर मैथ्स का स्टूडेंट मैंने बायो नहीं लिया है तो मुझे जाहिर सी बात है इंजीनियरिंग ही मिलेगी, मुझे इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। तो जो गोल होना चाहिए वो अटेनेबल होना चाहिए, आपकी औकात, आपकी हद, आपकी बस में होना चाहिए, आप खुद को भी तोलो। हर इंसान अपने बारे में सच्चाई जानता है कि वो क्या कर सकता है और कितने घंटे मेहनत कर सकता है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। बट द थिंग इज Can you do the labor? Can you do the painful and regular efforts? Can you put regular and painful effort for the goal every day? तो कितना रख सकते हो उस हिसाब से अपना गोल सेट करना है। नेक्स्ट, रिलेवेंट, आज से रेलिवेंट, मतलब कि एक तो जायज होना चाहिए, थोड़ा सा रियलिस्टिक, मतलब कि जो वास्तविक हो, रियल से असल जिंदगी से उसका कुछ तालमेल हो। करिश्मा वाला अजूबा वाला सपना नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे तो पायलट बनना है, मुझे तो साइंटिस्ट बनना है, और साइंटिस्ट का ऐसा भी नहीं पता है अभी, ठीक है, और आपने प्लस टू पास कर लिया है, वो भी फेल होते होते बचे हैं। तो इस लेवल पे और आप क्या उस लेवल पे आप मेहनत कर पाओगे कि आप साइंटिस्ट बन सको? तो ये सारी बातों को सोच के इस तरीके से गोल होना चाहिए जो रियलिस्टिक हो, मतलब कि उसका रियल लाइफ से, आपकी रियल हालात से, आपके रियल कैपेसिटी से उसका कुछ तालमेल हो, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट होता हो उसमें। नेक्स्ट है रिजल्ट्स फोकस, मतलब जो भी एक आपका गोल है उसका कुछ रिजल्ट, कुछ आउटपुट होना चाहिए। सीधा सपने नहीं देखना है, सपने देखना है पर उसका एक फाइनल डेस्टिनेशन होना चाहिए, एक रिजल्ट होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट दिस वन, टाइमली एंड ट्रैकेबल। तो मैंने बोल दिया कि हाँ मेरे को इंग्लिश सीखना है, लेकिन कितने दिन में हमें सीख लेना है ये हमें डिसाइड पहले करना चाहिए कि हाँ मैं एक साल में सीख लूँगा, और एक साल में सीख लूँगा तो एक महीने में कितना सीखूँगा, और एक महीने में इतना सीखूँगा तो एक दिन में मुझे कितना सीख लेना है। जैसे कि मैंने सोचा कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग कराऊँगा एंड आई वांट टू मेक यू फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो मैंने क्या करा, एक साल का कोर्स डिज़ाइन करवाया। जो एक साल का CFI ने कोर्स डिज़ाइन किया उसको मंथ वाइज पहले तो 3 सेक्शन में बांटा, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस, फिर उसको मंथ बेस पे बांटा कि हाँ एक महीने में इतना सिखाएंगे, सेकेंड मंथ में इतना सिखाएंगे, फिर उस मंथ वाले को वीक में डिवाइड किया कि हर हफ्ते में ये चीज़ पर सिखाएंगे, इस हफ्ते में ये सिखाएंगे, इस हफ्ते में ये सिखाएंगे, फिर हफ्ते के बाद दिन में डिवाइड किया कि इस दिन ये सिखाएंगे, इस दिन ये सिखाएंगे, और हर दिन का एक टॉपिक है, हर दिन का एक कॉन्टेंट है जो हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या टाइम सेट किया कि एक साल में करा देना है तो करा देना है, एनी हाउ कराना है। अब हम तो अपना पार्ट निभा रहे हैं, वी पीपल आर डूइंग आवर पार्ट ऑफ जॉब, बट आर यू डूइंग योर पार्ट ऑफ जॉब? आर यू डूइंग प्रैक्टिस? थिंक अबाउट इट। अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आएगा, यू विल डेफिनेटली लर्न, क्योंकि मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती, जाया नहीं जाती। अब मेहनत करके कुछ हासिल किया है तो ज़िंदगी में कभी ना कभी काम आएगा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना काम आए। तो आई होप आई दिस थिंग इज़ क्लियर। अगर स्मार्ट के SMART किसी में भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ और इन द डाउट क्लास में पूछ लो, ओके। एंड नेक्स्ट सेक्शन, सो स्टूडेंट्स हियर द सेक्शन इज लाइक द वन क्वेश्चन इज हियर बाय लॉज, एक्चुअली टी एंड यू बोथ लेटर्स आर साइलेंट इन हिज नेम, सो वील प्रोनाउंस इट लाइक लॉज। नाउ ही सेड वन थिंग लाइक द जर्नी ऑफ 1,000 miles बिगिंस विद वन स्टेप, जर्नी ऑफ 1,000, not 1,000, many thousands miles start with one step. तो क्या कहा इन्होंने, बहुत फैंटास्टिक सी बात कही कि जो हजारों कदमों का जो सफ़र होता है वो भी पहले कदम से शुरू होता है, और अगर वो कदम चलते जाएंगे तो एक दिन वो सफ़र कंप्लीट होगा और आप अचीव करोगे अपना गोल। बट अगर स्टार्ट ही नहीं किया तो अचीव क्या करोगे? इसीलिए एक शायर ने भी बहुत खूब कहा है, क्या कहा है,
भटके वो नहीं जो घर से निकले और खोजते फिरे अपनी मंजिलों को, भटके तो वो हैं जो अभी निकले ही नहीं अपने घरों से। ठीक है, गौर फरमाना इस पे और सोचना क्या ये सही है या गलत है, क्या आप कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे। नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आपका कोई सफ़र है, कोई मंजिल है, कोई मकसद है, कोई गोल है, तो क्या उसका आज आपने फर्स्ट स्टेप लिया? और अगर ले लिया है तो कल का स्टेप क्या होने वाला है, इस बारे में सोचा है? और अगर लेते आ रहे हैं तो क्या आज वाला स्टेप आपने लिया? अगर एक मकान भी बनाना है तो हर रोज़ एक ब्रिक एक ईंटा जोड़ना है। अगर एक ईंट नहीं जोड़ोगे तो मकान कभी तैयार होगा ही नहीं, पूरा ही नहीं होगा। तो ज़रूर सोचना है कि जो भी हमारा गोल है उससे रिलेटेड हम क्या करें। हमारा गोल है इंग्लिश स्पीकिंग सीखना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखना, तो आज हमने इंग्लिश स्पीकिंग के लिए क्या प्रैक्टिस किया, क्या प्रैक्टिस किया आज, आज कितना टाइम दिया भी कि नहीं दिया, क्या लेसन देखा, वॉच किया यूट्यूब पे, और देखने के बाद कितना मिनट प्रैक्टिस किया, और देखते वक्त क्या आप नोट कर रहे हो, क्या आपके सामने कॉपी कलम है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? और देखने के बाद आप क्या करोगे, कॉपी बंद करके रख दोगे या प्रैक्टिस करोगे आईने के सामने? सोचो, क्या हर रोज आप प्रैक्टिस कर रहे हो? और अगर नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो, सोचो इस बारे में। और बिना प्रैक्टिस के क्या कुछ सीख सकते हैं? बिना रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी मेंटेन किए कुछ सीख सकते हैं? सोचो, ओके। और आज के लिए समझ, अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर करें उन लोगों के साथ जो अब भी स्ट्रगल कर रहे हैं दैट वे एंड हाउ टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल्स का बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत से बच्चे। सो प्लीज़ work on it and let's have a look on the legs topics and sections and books exercise we are going to do after it. Yes, so dear students, this lesson is consolidation. Earlier its name was learning contract 2, but now its name is consolidation. So here we have very fantastic passage of Phelps, and let's read it. And please read it with me, it will help you to improve your pronunciation and it will help you to improve your reading skill. So read it like this. Born on June 30, 1985 in Baltimore, Maryland, Michael Phelps competed in his first Olympics at the age of 15 as part of the US men's swim team. मतलब सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने ओलंपिक में ले लिया पार्टिसिपेट। ग्रेट। ही वेंट ऑन टू विन मेडल एट द ओलंपिक समर गेम्स इन एथेंस, बीजिंग, लंदन एंड रियो, विनिंग अ टोटल ऑफ 28 मेडल्स, 23 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज। मतलब कि 28 मेडल जीत लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, और क्या क्या जीता, 23 गोल्ड्स थे जिसमें, और 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, बहुत अच्छा रेशियो है। And setting the record for the most medal wins by an Olympic athlete. Olympic athlete में जीतने वाले सबसे ज़्यादा सीखने वाले हैं 2012 तक में। Phelps announced his retirement in 2012 में, 2012 में उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ले लिया। प्लेयर्स अक्सर रिटायरमेंट खुद लेते हैं कि अब मैं नहीं खेलूँगा, मैं अब रिटायर हो गया। However, in April 2014, he announced he was coming out of retirement and returned a professional competition at the age of 28. मतलब 28 साल की उम्र में वापस आए 2014 में, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वापस से करूँगा कुछ और खेलूँगा। In June 2016, he won the spot on the 2016 Olympic swim team, making him his first American male swimmer to compete in 5 Olympic teams. At the 2016 Olympic Games, he won 1 silver and 5 gold medals, becoming the oldest individual gold medalist in Olympics swimming history, as well as the first swimmer to win 4 golds in the same event, the 200 meter individual medley. कितनी कमाल की बात है, मतलब कि एक बार जीता, फिर उन्होंने क्या किया कि रिटायरमेंट ले लिया, और 15 साल की इतनी छोटी उम्र से ही स्विम करना स्टार्ट किया, ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, गोल्ड पे गोल्ड, गोल्ड पे गोल्ड जीता। दैट्स रियली फैंटास्टिक। सो उसके बाद भी रिटायरमेंट ले लिया, और फिर से आए 28 साल की उम्र में कि नहीं, मेरे को फिर से करना, मेरे को फिर से खेलना है, और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते, फिर से गोल्ड जीता उन्होंने।
कितनी कमाल की बात है, ये होता है डेडिकेशन में द लर्निंग की लर्निंग एटीट्यूड इसी को कहते हैं। सो पीपल यू आर गोइंग टू आंसर 3 questions, इन 3 questions के जवाब आपको ऑफलाइन क्लासरूम में या फिर आपको देना है कहाँ, अपने जूम पे लाइव। तो पहला सवाल है, व्हाट डिड फेल्प्स डू व्हेन ही वाज 26 years old, 26 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया था, हमने अभी पढ़ा है आपको पता है। गिव द पैसेज अ सुटेबल टाइटल, एक सुटेबल टाइटल दीजिए इस पैसेज को, कि इस टाइटल का, इस पैसेज का एक सुटेबल टाइटल क्या होना चाहिए। सो फॉर इफ आई द 3rd question, डिस्क्राइब फिलिप्स इन 2 words एंड एक्सप्लेन योर चॉइस ऑफ द वर्ड्स। तो 2 words में आपको बताना है, 2 words देने हैं फिलिप्स को एक्सप्लेन करने के लिए, आपने इन्हीं 2 words को क्यों चुना ये भी आपको बताना है। यू कैन सेलेक्ट लाइक डिटरमिन एंड हार्ड वर्किंग, यू कैन डिटरमिन एंड ऑनेस्ट। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो आप सेलेक्ट कर सकते हो उनके लिए। नेक्स्ट, डिस्कस विद योर पार्टनर मीनिंग ऑफ द वर्ड, इन 6 words के मीनिंग्स आपको अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है। बाय द वे मैंने बहुत से वर्ड्स की, हार्ड वर्ड्स की मीनिंग पिछले मतलब कुछ मिनट पहले मैंने आपको बता दिया है। अब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू इन वर्ड्स के लिए डिस्कस करो और अपने पॉइंट ऑफ व्यू अपने अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको आना है लाइव क्लास में। नेक्स्ट, सम क्वेश्चन डिस्कस एंड सर्कल द करेक्ट आंसर, इसमें ए बी में से सही वाला को टिक करना है। विच गोल इज मोर स्पेसिफिक, आई विल ईट हेल्दी, आई विल ईट 1 fruit एंड 2 vegetables फॉर डिनर, इसमें से कौन सा मोर स्पेसिफिक होगा, हेल्दी खाऊंगा ये स्पेसिफिक होगा, या बोलूं कि मैं 1 फल और 2 सब्जी खाऊंगा रात के खाने में ये स्पेसिफिक होगा। सो इन माय ओपिनियन विच वन इज, आई थिंक बी इज द मोर स्पेसिफिक, मतलब क्लियर है, हेल्दी तो हेल्दी कैसे। नेक्स्ट, विच गोल इज मोर मेजरेबल, मेजरेबल कौन सा है, आई विल हेल्प माय कम्युनिटी, और दूसरा है आई विल राइट टू द म्यूनसिपैलिटी, आई विल राइट टू द म्यूनसिपैलिटी अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन माय नेबरहुड, मैं क्या करूँगा अपनी कम्युनिटी को हेल्प करूँगा। चलो अच्छी बात है, तो ये मेजरेबल थोड़ी ना, पता थोड़ी ना हो रहा है कि इसको मेजर थोड़ी नहीं कर सकते कि आप हेल्प कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैं पुअर रोड की बुरी हालत के बारे में जो हमारे नेबरहुड में है उसके बारे में म्यूनसिपैलिटी को लिखूँगा और उस पर काम कराऊँगा, आप इसको मेजर कर सकते हैं कि आपने लिखा कि नहीं लिखा, लिखा तो उस पर एक्शन हुआ कि नहीं हुआ, और एक्शन हुआ तो कितना एक्शन हुआ है, चीज़ें ठीक हुई हैं या नहीं हुई हैं। अब आते हैं अगली चीज़ पे, विच गोल इज मोर एक्शनेबल, एक्शनेबल कौन सा है, आई विल बाई एंड रीड द बेस्ट बुक ऑन हैंड राइटिंग, सबसे बेस्ट बुक जो हैंड राइटिंग पे है उसको मैं खरीदूंगा और पढ़ूंगा, और दूसरा है आई विल प्रैक्टिस 1 page ऑफ हैंड राइटिंग एवरी डे। तो एक्शनेबल क्या है, खरीदूंगा बेस्ट बुक, बेस्ट बुक खरीदने के लिए पहले ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, तो हर किसी के लिए ये चीज़ें करना आसान नहीं है, पर हर कोई 1 page हैंड राइटिंग लिख जरूर सकता है। तो एक्शनेबल कौन सा हो गया, दूसरा वाला हो गया। विच गोल इज मोर रेलिवेंट, टू इम्प्रूव माई इंग्लिश आई विल ज्वाइन अ फुटबॉल अकेडमी, अब इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए आप फुटबॉल अकेडमी को ज्वाइन करोगे, ये क्या रेलिवेंट है, रियलिस्टिक लग रहा है, असली बात हो रही है, नहीं। टू इम्प्रूव माई इंग्लिश आई विल रीड द स्टैनफोर्ड लाइब्रेरी बुक, स्टैनफोर्ड इसकी जो लाइब्रेरी बुक है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आप उसको पढ़ोगे, ये रियलिस्टिक है, ये रेलिवेंट है कि हाँ पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करेगी। विच गोल इज मोर टाइम बाउंड, कौन सा टाइम बाउंड है, आई विल गेट अ वेल पेड पेइंग जॉब 1 day, एक दिन मेरे को सोने की चिड़िया मिलेगी, वो वाली बात हो गई है, तो जहाँ एक दिन मैं राजा बनूंगा वो वाली बात हो गई है, तो क्या ये टाइम बाउंड है, नहीं ये टाइम बाउंड नहीं है। आई विल गेट अ जॉब आफ्टर कम्प्लीटिंग द स्टैनफोर्ड प्रोग्राम, स्टैनफोर्ड के इंग्लिश स्पीकिंग के बेसिक इंटरमीडिएट और एडवांस करने के बाद आप इंटरव्यू फेस करने जाओगे एंड फाइनली यू विल गेट द जॉब। बहुत से हमारे ग्रेजुएट्स ने जॉब अचीव किया है, अच्छी सी कंपनी में अच्छी अच्छी पोजीशन पे वर्किंग भी हैं, एंड बिकॉज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कोर्स विद रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी, एकदम रेगुलर एंड पंक्चुअल होकर कोर्स को कंप्लीट किया है विद फुल डिटर्मिनेशन, तो जाहिर सी बात है कुछ अचीव करेंगे। स्टैनफोर्ड इज स्टैनफोर्ड आई से इंटरनेशनल एस ए स्कूल, स्टैनफोर्ड इज स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लैंग्वेज के प्रोग्राम को। अब चलिए गोल सेटिंग करते हैं, चलिए सब लोग गोल सेटिंग करते हैं भाई लोग, पहले लोग क्या गोल सेटिंग करने का तरीका, माय बिग गोल, आपका क्या गोल है, सबका एक गोल होता है, आपका भी कोई गोल होगा, उस गोल को लिखो, लिखने के बाद खुद से कुछ सवाल पूछना है, इज इट स्पेसिफिक, क्या ये स्पेसिफिक है, नहीं है तो उसको स्पेसिफिक करेंगे,
हाउ विल यू नो डू यू हैव अचीव द गोल, और आपको कैसे लगेगा कि आपने अपना गोल हासिल कर लिया है, पहुंच गया गोल पे, इसके बारे में लिखना है। इज इट टू इजी और इम्पॉसिबली चैलेंजिंग, क्या आपने जो गोल बनाया है अपनी ज़िंदगी का वो बहुत ज़्यादा आसान है। अब एक कुछ लोगों का गोल होता है खाना पीना सो जाना, इतना आसान थोड़ी ना होता है, इतना आसान गोल थोड़ी ना बनाना है, या फिर ऐसा चांद तारे ले आऊँगा, तो ऐसा भी गोल नहीं बनाना जो इम्पॉसिबल हो करना। तो आपका गोल कैसा है प्लीज़ बताएं। इट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट एंड मोटिवेटिंग फॉर यू, क्या ये ऐसा कुछ है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और मोटिवेट करता है आपको अंदर से कि नहीं मेरे को ये हासिल करना है, मोटिवेटिंग। व्हेन विल इट बी अचीव्ड और टाइम बाउंड, क्या कितने दिनों में या कितने साल में आप इसको अचीव कर लोगे, कब तक, ठीक है सवाल। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। फाइनली आपको यहाँ पे लिखना भी है अपना गोल, एंड दिस इज योर प्रेजेंटेशन ऑफ द डे, या आज का सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन होने वाला है। मतलब माय स्मार्ट गोल, एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से एक्शनेबल, आर से रियलिस्टिक, टी से टाइम बाउंड। तो बाय कब तक, 2050, 30, 20 आई विल क्या कर लोगे, ठीक है, बिकॉज और रीज़न दो करने का। आई विल डू दिस बाय, कैसे करोगे, कुछ एक्शन प्लान है वो बताओ, और आई विल नो इफ आई हैव अचीव, और आपको हासिल हो गया या कैसे मेजर करोगे, ये भी आपको यहाँ पे लिखना है, ओके। और ये वाला लास्ट वाला जो है लाउजे के द्वारा लिखा गया जो एक कंटेंट है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज अवर ग्रुप डिस्कशन टॉपिक, द जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिंस विद वन स्टेप। 1000 miles की जो सफ़र है वो भी एक कदम से शुरू होती है, कभी ना कभी पहला कदम तो लेना ही पड़ता है कि नहीं। अगला मेन आइडिया, और इसके बाद हम लोग करेंगे पैराग्राफ राइटिंग, तो सीखने के लिए तैयारी।